हेमा लाभ हल्हा वो हेलो वेलकम और वेलकम बैक टू ब्लेसिंग सर आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल हेल्दी हैप्पी सेफ एंड साउंड सो गाइस आज की रीडिंग जो है उसका टॉपिक है कि कितने इम्पोर्टेंट हो गए आप अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए ओके हाउ इम्पोर्टेंट यू वुड बी फॉर योर फ्यूचर स्पाउस फ्यूचर हजबेंड जिसके साथ आपकी शादी होगी विल यूर मैरी ओके और क्या वो आपको खोने से डरते हैं ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक था सो so, या yeah. आई एम हेयर विद रीडिंग सो यहाँ पर आपके बर्थ डेट्स हैं फाइल नंबर वन एंड पाइल नंबर टू ओके okay? लोग इंटिवली ग्रुप चूज करते हैं आपके लिए पाइल नंबर वन ग्रीन फैदर एंड पायल नंबर टू ऑरेंज ऑरेंज फैदर ओके सो चूज योर पाइल अकॉर्डिंगली आई वैल सी यू एन योर रीडिंग आपके टाइम्स टेम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई वेल सी यू देयर ब्यूटीफुल पायल नंबर वन अगर आपने पहला ऑप्शन चूज किया था तो आइए देखते हैं कि क्या सिचुएशन है आपके स्पाउस की क्या निकल के आने वाली है एनर्जी लेट्स सी फॉर यू गाइज सो यस जस्ट काम डाउन ओके जस आप लंबे सांस ले सकते हो जस्ट टेक डीप रेथ एंड रिलैक्स वट इज फॉर यू गाइज आपके लिए है हाई प्रिस्टस ओके जी हाई प्रिस्टस की एनर्जी है एंड आपके लिए है फाइव ऑफ बॉन्ड्स आज मैं रिवर्स में नहीं ले रही ओके आपके पास है नाइट ऑफ हम कितने इंपॉर्टेंट रहने वाले हो आप अपने स्पाउस के लिए जजमेंट एंड चैरियट वैल वैल नंबर वन मुझे दिखता है यहाँ पर ये यह जो सिचुएशन दिखने वाली है आपके स्पाउस बहुत ही मचोर है मेंटली ठीक है और ये इंडिपेंडेंट पर्सन है इसको किसी की मतलब ज़्यादा ये लेता नहीं है किसी की सजेशन किसी की बात पे इतना सुनता नहीं है और यस आई एम बिंग क्लियर इतनी ज़्यादा अपने पेरेंट्स की भी नहीं सुनते ये अपनी ही अपने दिमाग से सोचती हैं जो इनको अपने माइंड में दिखता है ये वो करते हैं ओके एंड विद जजमेंट एनर्जी ये बंदा थोड़ा सा uh, वो है जजमेंटल uh, हो सकता है ओके okay? मतलब ये सच का साथ देता है लेकिन uh, ये ऐसा नहीं है कि इसको इजीली बेवकूफ़ बना दिया जाए इसको मुनेपलेट किया जाए या इसको इस तरह किया जाए कि मैं भी मे भी आप अगर कोई भी इसको मतलब बुद्धू बना कर चला जाए ऐसा हो नहीं सकता ओके ये बंदा काफ़ी ज़्यादा मेचोर है मुझे दिखता है और चैरिट एनर्जी के साथ ये डिसीजन भी जो लेते हैं मैंने बताया है, अपनी मर्जी के लेते हैं और मतलब जल्दी लेते हैं लिटरली ठीक है इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोच रहा है नहीं सोच रहा अगर कोई चीज़ सच्ची है अगर कोई चीज़ टू द पॉइंट है तो दिस पर्सन इज़ अप फॉर दैट ओके इन्हें कोई वो नहीं है इसे किसी किस्म का मसला ऐसा नहीं है कि कोई क्या सोचेगा मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे आपके पेरेंट्स क्या सोचेंगे इसने हमेशा सच का साथ देना है और ये इसीलिए ही लाइक बना है या आप कह लो कि इसी तरह से है ये इंसान आप <laughs> कुछ भी नहीं इसका कर सकते ऐसा ही है ठीक है सो so, आपकी क्या इंपॉर्टेंस है जी आपकी एनर्जी में आ रही है क्वीन ऑफ सुअर्स और आ रही है एस ऑफ सुअर्स आप वो बंदी होगी कि जिसने इसको इस पर्सन को मेंटल क्लैरिटी दी है ठीक है नहीं तो पहले ये दिन के साथ भी थे ना उसने हमेशा इनको शक में रखा है इनको डाउट्स में रखा है दे वर नेवर क्लियर वो कभी भी अपने माइंड में ऐसे नहीं थे कि ये मतलब इतना ज़्यादा उनको क्लैरिटी कभी भी नहीं मिली थी और समाओ मैं ठीक है अपने डिसीजन खुद लेता है लेकिन आप में उसको मिली एक ऐसी मतलब अपना अदर पार्ट अपना अदर हाफ के जिसके साथ वो शेयर कर सकता है मुझे देखता है पायल नंबर वन ये बंदा ऐसा है कि इसे कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर नहीं करे कभी कभी भी ठीक है और ये बंदा अकेला ही रहना पसंद करता है और ना कहीं ना कहीं ये पेरेंट्स की भी इतनी खास नहीं सुनता है क्योंकि मे बी इनके पेरेंट्स की माइंड सेट डिफ़रेंट है क्या हो सकता है थोड़ा मॉडर्न आउटलुक का हो पेरेंट्स इसके थ्रू ट्रेडिशनल है लेकिन ये नहीं कि ये बदतमीज है या ये मतलब पेरेंट्स की बिल्कुल नहीं सुनता ऐसा नहीं है इट इज़ जस्ट कि वो उनको उसको वो डिफ़रेंट है ना माइंड सेट के ठीक है तो ये अपनी उसको पता है कि आजकल जो है लेटेस्ट क्या है क्या चल रहा है क्या नहीं तो फिर रिस्पेक्ट करता है लेकिन जब डिसीजन लेना होता है तो ये बंदा अपनी करता है <laughs> ये आप नेगेटिव में आप ले लो या पॉजिटिव में ले लो लेकिन यही चीज़ है ठीक है तो या आपकी सूरत में मैंने बताया है इसको मिली है अपनी अदर हाफ ठीक है लेकिन आप ही दुनिया की वो वाद जैसे <laughs> कह लो ना हस्ती हो या आप ही दुनिया के वाद हो गए इंसान की जिससे ये बंदा पूछ लेता है मशवरा ले लेता है कि मैं ये कर लूँ कि ना करूँ अदरवाइज इसको कोई वो नहीं है वेरी प्लांड ठीक है वेरी वेरी ब्लंट और दूसरी है कि फाइव ऑफ पेंटिकल्स सॉरी टेन ऑफ पेंटिकल्स अर्निंग में ये बंदा बहुत अच्छा है और मुझे दिखता है कि हाउस होल्ड काफ़ी हद तक आपके हाथ में होगा ठीक है पैसे के मैनेजमेंट और जितना भी ये कमाते हैं नहीं कमाते वट एवर ये ला करके आपको बताएंगे और यू वुड बी मैनेजर मुझे दिखता है यहाँ पर मैनेजर आप उनकी फाइनेंसिस की तो आप अंदाज़ा कर सकते हो कि आपको वो कितना इम्पोर्टेंट समझता है कितने आप यानी कि उसके लिए इंपॉर्टेंट हो ठीक है तो ये चीज़ आप देख सकते हो अंदाज़ा लगा सकते हो पाइल नंबर वन आगे है जी टेन ऑफ कप्स ओ माई कोड देखो दो दफ़ा टेन आया टेन ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स ये इतना स्ट्रोंग मैसेज है ना आपके लिए इतना स्ट्रांग मैसेज है कि मैं आपको क्या बताऊँ बिकॉज़ ये एनर्जी है कि जब कोई बंदा आप पे फुल ट्रस्ट करता है ठीक है उसके घर की उसके परिवार की तमाम खुश यहाँ जब आपसे जुड़ी होती हैं ठीक है पेंटिकल्स मीन ऑल मनी एंड हाउस होल्ड मैनेजमेंट एंड कप्स इज ऑल अबाउट लव सपोर्ट फैमिली बच्चे ये सब चीज़ें मतलब घर की बातें ठीक है थीके? तो मुझे नहीं लगता कि इस बंदे का गुजारा है आपके बिना यहाँ एक इसको एक ऐसा साथी चाहिए था कि जिसके साथ ही सब कुछ शेयर करें और वो उसको मिल गया है फ़ाइनली आप में यू आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर दिस पाइल नंबर वन पर्सन दूसरी मुझे चीज़ दिख रही है कि आई एम हियरिंग मुझे ऐसे सुनाई दे रहा है कि एज एफ ये पर्सन ट्रस्ट का बहुत बुरा है मतलब ये ट्रस्ट जब किसी पे करता है ना तो ये पूरा करता है और अगर नहीं करता तो बिल्कुल नहीं करता है, ठीक है लेकिन अगर जिस पे इसने ट्रस्ट करा है ठीक है अगर उससे उसका ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक है अगर तो एक दफा इनका ट्रस्ट ब्रेक हो गया ना फिर इनका दोबारा ट्रस्ट गेन करना नामुमकिन है मुश्किल नहीं है नामुमकिन इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि दोबारा से अब ट्रस्ट इनका गेन किया जा सके ये बहुत ही स्ट्रेंज सी सफाइव है बंदा एक बड़ा एक्सट्रीम पे लेकिन हर्म एनर्जी यस आपके लिए पर पॉसिबिलिटी है यहाँ आपको ऐसा बोलेंगे तुमको आ, वो क्या कहते हैं जॉब करनी है तो कर लो नहीं करनी तो ना करो ठीक है आपके लिए कंपलसरी नहीं होगा यहाँ जॉब करना क्योंकि हो सकता है ये बंदा थोड़ा सा ट्रेडिशनल माइंडसेट का है और इसको इसको सिखाया गया है हो सकता है इसके माता पिता से भी इसने यही देखा है कि औरत को महिला को फ़ीमेल को घर बैठ के खिलाना है ये आपकी ज़िम्मेदारी है ठीक है लेकिन मैंने बोला ये बंदा मॉडर्न आउटलुक का है अगर आप जॉब करना चाहती हो खुद तो कर सकती हो ठीक है अगर नहीं करना चाहती तो ना करो इसको तरफ से कोई कंपल्शन नहीं होने वाली कोई आपको जोर नहीं देने वाला लेकिन इसका जो अगर आप इनकी मर्ज़ी पूछो अगर आप इनकी प्रेफरेंस पूछोगे तो वो आपको यही बोलेंगे कि तुम घर बैठो ठीक है ज़रूरत नहीं है इतना बॉडर होने की घर बैठो कल को प्रेगनेंसी हो जाती है फिर यू you नो know, आपको क्या ज़रूरत है इतना करने की पैनिक लेने की आराम से जो है वो सुकून करो घर में ये इनका मर्जी है लेकिन आपकी जो मर्जी हो वो बंदा नहीं पैनिक के लेने वाला ठीक है जो करना है करो ठीक है सेवन ऑफ वैंड स्ट्रगलर है इसने बड़ा यू नो सख्तियाँ है जिंदगी में और स्ट्रगलिंग uh, हो सकता है आपको पाने के लिए भी इसने बड़ी स्ट्रगल्स की यू नेवर नो और uh, मुझे दिखता है पाइल नंबर uh, वन की ये बंदा ना बहुत ज़्यादा स्टैंड इसने लिया है ज़िंदगी में आपके लिए और जब आपका कनेक्शन होगा ना इनसे यह है आई डोंट नो लेकिन ये इंसान बैक ऑफ द माइंड बैक ऑफ द स्टेज बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ करता है आपके लिए शायद आपको नहीं पता किंग ऑफ़ पेंटिकल्स देखो बहुत कमिटेड है ये इसने जो आपसे वादे करे हैं या जो करेंगे ये मरते दम तक उसके ऊपर रहेंगे कायम इनको हटाया नहीं जा सकता इनको थर्ड पार्टी में आपको कभी नहीं डालेंगे ये अपनी बातों से ये बंदा चेंज नहीं होता मेन चीज़ जो इसकी मुझे दिख रही है ना ये बंदा कभी चेंज नहीं होगा जैसा आपको डे वन पे मिला था ना ये वैसा ही रहेगा एंड तक और यहाँ पे अर्थ साइन की वाइब है टॉरस एंड कैप्रिकोन एंड वर्गो की वाइब है यहाँ और यहाँ पर ऑल्सो कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो और यहाँ पर एयर साइन भी काफ़ी प्रोमिनंट है लिब्रा जमुना एन एक्वेरियस पेज ऑफ सोर्ट्स लेकिन ये बंदा बाहर बहुत क्योसिटी में आपको पहले बता दूँ काफ़ी क्यूरियस होता है को, को कौन सी बात कब कैसी हुई थी ये हुआ था वो हुआ था ठीक है सो ये चीज़ तो मुझे दिखती है क्योसिटी तो सामान पर चढ़ी है इनकी वर्ल्ड कार्ड लेकिन ब्रॉड माइंडेड होगा और आपको हो सकता है यू सी द वर्ल्ड कार्ड वर्ल्ड कार्ड इज़ व्हेन यू आर देयर वर्ल्ड लिटरली यू आर देयर वर्ल्ड ओके जब आप उनकी पूरी दुनिया पूरी हस्ती आप ही हो और मुझे दिखता है कि इनकी दुनिया आपके घूमती होगी ठीक है हाँ ये बहुत अपने घर का बड़ा है डिसीजन मेकर है ये है वो है लेकिन यू सी आपके आगे ये बंदा झुकता है ये बंदा आपके आगे झुकता है और कहीं ना कहीं ये आपका स्किल है आपका टैलेंट है या आपकी मैनिफेस्टेशन है या हो सकता है आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी आपके लिए बहुत सारी प्रार्थना बहुत सारी दुआ है जिसकी वजह से आपको ऐसा पति या पत्नी मिलने वाले हैं कि जो आपकी सुनता है कि बंदा किसी और की नहीं सुनता ये सिर्फ एक बंदे की सुनता और वो आप हो एंड मैं आपको हंड्रेड परसेंट श्योरिटी से बात बोल रही हूँ ये मैं ऐसे ही कोई फ्लावरी वर्ड्स ना यूज़ करें मैंने कभी और ना कभी करूँगी और ना मुझे कुछ ज़रूरत है जो बात है मैं लिटरली आई टेल यू क्लियर कट ताकि आपका अवेयरनेस हो ठीक है सो दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़ तो यू कैन सी कि ये आप कितने इंपॉर्टेंट हो इनके लिए और ये बंदा ऑफकोर्स आपको कोने से डरता इतनी इंपॉर्टेंट जब आप फुल मैनेजर हो उनके हर चीज़ आप हैंडल कर रहे हो हर चीज़ आप देख रहे हो तो बी लिटरली लाए लाइक यार ये कभी मैं खो ना इसको है ना सो फोकस ऑन लाभ आपको चूज़ करने की वजह क्या थी इसकी वजह ये थी कि इसने आपके अंदर एक चीज़ देखी थी और वो थी आपकी वो क्या आपने कभी किसी की बुराई नहीं करी ठीक है सीधे बैक बैटिंग किसी के पीछे उसकी बुराई करना ये मेन चीज़ थी इसने आपको देखी मे भी इसने कभी आपको ना आजमाया हो टेस्ट करा हो तो so, हो सकता है इसने किसी के साथ आपके साथ जस्ट फॉर टेस्ट थिंग के आपके साथ कभी जिसने किसी की बुराई करी हो और चेक किया हो कि आगे से करती है कि नहीं और आपने क्या रिस्पॉन्ड करा कि आपने पॉजिटिव स्कोर ले गए इसको ना इस तरफ कि भाई चलो ठीक है आप जो वो बोल रहे हो ठीक ही होगा लेकिन देखो ना उसकी वो पॉजिटिव साइड भी तो है ना वो भी तो देखें आपने कभी कोई ऐसी बात की थी या करी थी इसके दिल में वो बात बैठ गई है इज़ लाइक ए नहीं ये घर बनाने वाली है ये घर तोड़ने वाली नहीं है ये जोड़ के रखेगी मेरे परिवार को मेरी फैमिली को एंड उसको बहुत अच्छी लगी थी ये बात आपकी सो so, दूसरी तो बात है आप प्रैक्टिकल हो ठीक है आपने ठीक है यू कमिटेड तो ये भी बहुत है और अर्थ साइन की एनर्जी थी स्पेशली कैप्रिकॉन की दे आर फ्रीली ठीक है लेकिन यू आर नेवर लेस देन देम आप इससे कम थोड़ी हो आप ऐसा इंसान हो कि जो इनकी भी इनकी भी बोलती बंद कराई आपने प्रैक्टिकल होने में तो जैसे वो कहते हैं ना शेर को सवा शेर यू आर जस्ट लाइक दैट गॉड ने इनको दिखाया है कि तुम अगर अच्छे इंसान हो तो तुम्हें मैं ऐसा स्पाउस दूंगा कि जो तुमसे भी बेहतर है तुमसे भी मतलब टैलेंट्स में अच्छी आते तो मैं तुमसे भी आगे है तो बड़े ग्रेटफुल हैं आपको पा के अपने ज़िंदगी में ठीक है सपोर्ट आपकी सपोर्ट इनके लिए सब कुछ आप सपोर्टिव हो या आपको सपोर्ट करते हैं आप इनको सपोर्ट करते हो विच इज़ एब्सोलूटली लवली 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 ठीक है तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बंदे ने बड़ी एफर्ट्स भी करी हैं आपको पाने के लिए आपके साथ रहने के लिए और मेन um, चीज़ जो मुझे दिखती है पायल नंबर वन के आपका साथ ठीक है बिल्कुल यू आर मेड फॉर ईच अदर गॉड सेंट पर्सन है ये और कि यू नो कपल मेड इन हेवन है ये और um, हो सकता है रिलेशनशिप में कभी ऐसा मोड आए जो सबके आते हैं कि जब रिश्ता यू you नो know, दाव पर लग जाता है या वट एवर वहाँ पर आपने इसके सपोर्ट करी ठीक है मे बी इनको कभी फाइनेंशियल लॉस हुआ हो या इस तरह की कभी कोई चीज़ हुई हो तो ये बंदा हमेशा इसने ये सोचा कि ये मेरा साथ देगी वो पूरे वक्त में कि नहीं वहाँ पर भी आप सक्सेसफुल है ये बंदे हम बहुत ही लिटरली ये तो है ही है आप बहुत हाई चीज़ हो आप बहुत हाई क्लास हो एज़ फीमेल या मेल वो यू आर तो आपने कभी इनका साथ नहीं छोड़ा और ये चीज़ इनके दिल में बैठ गई कि भाई कितनी मेरे लिए कैरिंग है और आ, मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे बेहतर को मिलने वाला है तो ऑबियसली ही इज़ एक्सट्रीमली एफ्रेड ऑफ़ लूजिंग यू एक्सट्रीमली अफ्रेड ऑफ़ लूजिंग यू बहुत ही डरता है कि कहीं आप इनके ज़िंदगी से चले ना जाओ क्योंकि मुझे यहाँ पे हाईली डिपेंडेंस लग रही है उन यू जो कि नहीं होनी चाहिए लेकिन है आपने उनको ऐसा कर दिया है आ, इनका साथ दे दे कि इनको सजेशन दे दे के या आई नो वाई इनकी मोहब्बत है ठीक है ब्लाइंड so, ट्रस्ट करता है यहाँ पे पहले नंबर बार लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ ठीक है बहुत अच्छे हैं ब्लाइंड ट्रस्ट है ये है वो है लेकिन अगर कभी जिंदगी में इनका ट्रस्ट टूटा ना तो मैं पहले बता चुकी हूँ इम्पॉसिबल है इसको वापस पाना इंसान को ठीक है सो बी बी केयरफुल लेट्स इन लव मैसेजेस फ्रॉम योर मैन क्या लव मैसेजेस हैं क्या कहना चाहते हैं ये आपको देखा मैं प्रूफ करूँगा कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा हस्बैंड हूँ या वाइफ वे आर नंबर वन मैं मैं चाहता हूँ कि मैं यू you नो know, ये चाहते हैं कि जिस लाइक यू टेक कंट्रोल ठीक है जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं मैं चाहता हूँ कि मैं बच्चों को लिटल स्पॉयल करूं उनको उनके साथ खेलूं कूदूँ और तुम जो हो सारा चार्ज लो तुम कहो कि तुम डांटो तुम ये करो तुम वो करो कैसे ऐसे नहीं करना आराम से बैठ जाए ये है वो है राइट सो दे आर गिविंग द चार्ज इन योर हैंड्स सो खुद जान के तुम्हारी गोद में खुशियों से भर दूँगा मैं चाहता हूँ हम दोनों बीच साइड पर जाएं और वहाँ पर लंबी वॉक करें तो मेरी जान हो लेकिन मेरी जान ही ना निकाल देना ये तो आप करने वाले हो द वे आई एम लुकिंग एट यू ये तो आप करने वाले हो आपको ये जान बनाएंगे तो सही लेकिन ये आप इनकी जान निकालोगे लिटरली प्लीज़ स्माइल नहीं तो मैं भी सैड हो जाता हूँ तो मैं उदास देख के ओके okay. तुम्हें दुल्हन बना देखकर कहीं मेरा दिल ही ना रुक जाए तो आई हैव टू बी स्ट्रांग मैं वो बंदा हूँ जो तुम्हें रिस्पेक्ट लव और केयर अनकंडिशनली दो, दे सकता हूँ मैं आने वाला हूँ मेरी जान मेरी स्वीट हार्ट प्लीज़ वेट फॉर मी आर लिटल बेट थोड़ा वेट कर लें पल वन कुछ नहीं होता बहुत अच्छा इंसान है आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू ठीक है हर जन्म मुझे तुम्हारा साथ चाहिए पायल नंबर वन मई क्वीन मैं चाहता हूँ मेरी बिल्कुल तुम्हारे जैसी बेटी हो प्रिंसेस तुम्हारी मदर इन लॉ तुमसे बहुत प्यार करती हैं क्या तुम्हें पता है सो दिस वॉज मदर इन लॉ सो यह Uh, मैं चाहता हूँ कि तुम रेड और ग्रीन कलर की ब्राइडल ड्रेस पहनो वैल well, यहाँ पर जो भी ट्रेडिशनल है आपकी कंट्री में चलता है दैट इज़ द कलर ओवर हियर बेस्ट थिंग एवर हैपन टू मी इन माय लाइफ ओके गाइस सो दैट्स इट फॉर टुडे आई सी यू इन माय नेक्स्ट रेडिंग नेक्स्ट टाइम टेक केयर एंड बाई बाई हेलो मल हेलो वेलकम पाइल नंबर टू वेलकम टू योर रीडिंग सो देखने वाले हैं हम कितने इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप अपने फ्यूचर के लिए वट्स यू गाइस लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग अप ओके फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स ओ माय गॉड टेन ऑफ वर्ड्स रिवर्स कितनी इंपॉर्टेंट हो आप उनके लिए फाइव पेज ऑफ पेंट वाव क्लियर कट मैसेज क्लियर एब्सोल्यूटली क्लियर थिंग पाइल नंबर टू आपकी इम्पोर्टेंस उनकी ज़िंदगी में ये है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा इसकी बुरी हालत थी ठीक है इनके कार्मिक कनेक्शन टॉक्सिक रिलेशनशिप या कुछ भी कह लोबाइल नंबर टू कुछ भी बोलो इसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब थी और इसके साथ पे इतना लोन भी चढ़ गया था बहुत बुरा इसके साथ हुआ था फाइनेंशियल सिचुएशन में लेकिन क्योंकि यू आर लकी फॉर देम यू लिटरली कन्वर्टेड द फाइव ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी इनटू किंग ऑफ़ पेंटिकल्स ओ माय गॉड ंग बना दिया आपने इनको आपकी एनर्जी ने इनको ठीक है और इनके सारे जो लोन वगैरह थे ना टेनो बॉन्ड्स रिवर्स सारे इनके लोन सब कुछ उतर जाएगा जब इनकी ज़िंदगी में आओगे दैट्स हाउ इम्पोर्टेंट यू आर ओके यहाँ पर कुछ सितारों का मेल ऐसा बना कुछ ऐसा बना कि लिटरली पेज ऑफ पेंटिकल आप इनकी लाइफ में ऐसे यू सी ग्लो इन हैंड ऐसे मैजिक ऐसे इन्होंने ऐसे इनको लगा कि जैसे मैजिक है आपके हाथों में जैसे आपके हाथों ने कोई मैजिक करा है ठीक है और ये बंदा बहुत ही ग्रेटफुल रहेगा आपके लिए ये ऐसे होता है ऐसे होता है ठीक है ज़्यादातर ये उन, उन लोगों के साथ होता है मतलब लिटरली एक बहाना ही बनना होता है ना आ, तो ये गॉड की भी अक्सर अक्सर गॉड की भी अरेंजमेंट होती है ऐसा करना ताकि ये सारी उम्र आपका पार्टनर आपके साथ रहे आपका ग्रेटफुल रहे या आपके साथ खुश रहे ओके okay? तो ये आप गॉड की कृपा है ठीक है ना तो इसमें आपकी अपनी कोई हातुरी है ना कोई आपका अपना कोई टैलेंट है ना ये कि आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली लकी हो या ऐसे भी बात नहीं है ठीक है ठीक है अब हो एवरी थिंग यू डू हैव बट यू नो एक गॉड की अरेंजमेंट मुझे दिख रहा है गॉड ने जान के ऐसे करा है जस्ट टू मेक बोथ ऑफ यू कनेक्टेड फॉर एवर ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहो और एक दूसरे को कभी भी छोड़ो मत ठीक है सो so ये मुझे दिखता है फायल नंबर टू की एनर्जी में उनको आपके हाथ में जादू दिखता है टेन ऑफ सोर्स रिवर्स ओ माय गॉड अगेन एक मोहब्बत की कमी किसी ने इनको चोड़ा किसी ने इनके साथ बुरा सलूक करा इनकी यू नो बैक स्टैबिंग करी इनको यू you नो know, इनके पीछे से इनको धोखा दिया ये किसी में ब्लाइंड ट्रस्ट करते थे लेकिन उसने इनका इतना बुरा ट्रस्ट तोड़ा ठीक है कि ये बंदा उठने के फिर काबिल नहीं रहा मे बी यही वजह थी कि इनकी फाइनेंशियली लॉस हुआ है ज़ाहिर फिर तो जो नहीं कहाँ पे किधर होनी है जब इतना इंसान का हार्ट ब्रेक हुआ ये इनके एक्स ने किया है इनके साथ ठीक है हम्म इसीलिए शायद फिर उन्होंने उन्होंने फिर लाइक लॉसेस और जॉब छूट गई और फिर यू नो इतना लोन चढ़ गया सर पे यार फैमिली में ख़र्चे कहाँ कम होते हैं ख़र्चे तो उसी हिसाब से होने हैं जिम्मेदारी भी वहीं वही रहनी है ठीक है ना तो ये बंदा जीना भूल गया था तो एनी वेज भी गॉड ने इनकी लाइफ में आपको बेचा और फिर सब कुछ बदल गया मुझे दिखता है वर्ल्ड रिवर्स hmm. कुछ मैं बोल रही हूँ इनके लाइफ में बहुत ही स्ट्रेंज मोमेंट्स रहे हैं बहुत ही ऐसे मोमेंट्स रहे हैं जहाँ ये इनके जिदी दुनिया उलट गई थी और लिटरली में भी हो सकता है इनके पेरेंट्स का भी लॉस हो गया हो मे भी इनके पेरेंट्स की डेथ हो गई हो, हो, हो या इनकी बहुत अच्छी जॉब चली गई थी बहरहाल ये जो भी कनेक्शन है मैं पास्ट में इतना नहीं बोल रही हूँ क्योंकि आई वॉन्ट टू सी फ्यूचर ठीक है लेकिन एनर्जी बतानी है इसलिए बंदा आप क्योंकि आपकी इंपॉर्टेंस बतानी है तो ये बंदा ऐसे समझता है कि आप लकी हो इनके लिए ठीक है तो लेकिन लकी आप उनके लिए हो या नहीं लकी आप मुझे यहाँ सुनाई दे रहा कि आप अपने खुद के लिए ज़्यादा लकी हो क्योंकि गॉड ने ये आपके लिए किया है सब कुछ ठीक है ताकि आप खुश रहो ताकि बंदा आपकी सारी उम्र कदर करे तो यहाँ ये चीज़ है ओके okay, जी नाइटो बॉन्ड्स दूसरी इसमें आपको अच्छा पहले नंबर तो हो सकता है इनको बिज़नेस री इस्टेब्लिश करने में ना आप इनकी हेल्प भी करो नाइटो बॉन्ड्स ठीक है तो मुझे यहाँ पे रीबिल्डिंग रह, लग रही है मुझे यहाँ पे हेल्प लग रही है इनको बहुत पसंद है कि आप जिस तरह से पैशनेट हो आप जिस तरह से यू you नो know, लेके चलते हो चीज़ों को एक यंग सोल है एक यंग एनर्जी है स्पेशली अगर आपने ऑरेंज uh, रेड या ब्लैक या शॉकिंग पिंक का कोई भी इस टाइप का टोन पहना हुआ है ना डेफिनेटली दिस इज दिस रीडिंग इज़ फॉर यू बेशक आपने कपड़े पहने हैं चाहे आपने कोई जैकेट या कुछ उस uh, टाइप की कोई चीज़ पहनी हुई है सो so, is दिस इज़ energy एनर्जी ending एंडिंग विद न्यू बिगनिंग इन्होंने आपके साथ ज़िंदगी की नई शुरुआत करी थी क्योंकि okay? ये सब कुछ जीना बोल गए थे और अ, ये इस चीज़ को लेके कभी भी नहीं बोलेगा आपका ये आपका एहसान मानता है इसमें और अ, इस चीज़ को लेके काफ़ी सीरियस भी है ओके बाय नंबर टू सो Yeah, काफ़ी सीरियस है आप चीज़ को लेकर के नाइन ऑफ कप्स ये चाहता है कि अब आप आपने जितना इनका साथ दिया ना ये उतना आपको रिटर्न करें ठीक है ये चाहते हैं कि ये भी आपको उतनी ही मोहब्बत दें उतना ही प्यार दें जितना आपने दिया है तो आई बिलीव पार नंबर टू आप दोनों का कनेक्शन जो है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहने वाला है और ये बंदा फ्यूचर में आपकी तमाम जिसे कहते हैं ना कर्जा लुटाना अला आप लोग ओबियसली हस्बैंड वाइफ हो कर्जे वाली कौन सी इतनी बात है लेकिन लेकिन ये बंदा बहुत अबलाइज रहता रहने रहेगा आपके सारी उम्र के आपने किस तरह से इनका साथ दिया इनको उस दलदल दल से निकाला क्योंकि ये उसको बहुत सीरियस ले रहे थे सीरियस वाली बात भी है क्योंकि इनकी मुझे दिखता है कि इनकी वो हालत आ गई थी कि जब सब कुछ बिक जाता ना घर का वो वाली, सो so, मैं भी किसी एडिक्शन में पड़ गए हूँ सी किसी ड्रग वग़ैरह में भी आई डोंट नो लेकिन हो सकता है कुछ इस तरह की चीज़ भी हो जिसको लेकर के काफ़ी काफ़ी रोते भी थे सारी सारी रात के मुझे क्या हो गया है <coughs> या ये सारा कैसे हल होगा ठीक है तो ये चीज़ है आगे यहाँ पर एट ऑफ सोर्स रिवर्स हाँ आंखें खोल दी इन्होंने आपने इनकी आंखें खोली हैं फाइल नंबर टू आंखें खोली हैं इनकी और इन्होंने देखा कि मोहब्बत क्या होती है ट्रू लव क्या होता है इस कप्स आपने इनको सही मोहब्बत का मान ही समझाया था इतनी इंपॉर्टेंट है आप इनके लिए अब आप सोच लें साग लगा लें कि हाउ इम्पोर्टेंट यू आर गोइंग टू बी फॉर दैम सो दूसरी बात ये कि आपको बहुत प्यारा भी मानते हैं मे बी कुछ लोग हैं यहाँ पर आप बहुत स्लिम हो या बहुत नाजुक से हो सो so, या ना भी फिज़िकल की बात नहीं है बात है कि ये आपको बहुत डेलिकेट एडोरेबल क्यूट सी चीज़ समझते हैं ठीक है थीके? और इनके लिए आप मोहब्बत की देवी हो लिटरली जस्ट लाइक जिसने इनको सिखाया कि ट्रू लव क्या होता है ना सिर्फ आपने इनको मदद करी इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक करने में बल्कि इनको ये भी सिखाया कि मोहब्बत होती क्या है ठीक है तो ऑबियस दिस पर्सन लिटरली गोइंग तो टू बी रियली फ्रेड बहुत डरेगा कि इन आप, आप आपको ना कभी खो दे क्योंकि बहुत डिपेंड करने वाला है आप पे बहुत डिपेंड कर रहा है आपकी मौजूदगी पे आपकी मे भी आप नेक्स्ट स्टेप क्या लेते हो क्योंकि मुझे तो इधर काफ़ी ज़्यादा कमांडिंग चीज़ें लग रही हैं आपकी क्योंकि ये बंदा काफ़ी हद तक आपकी ये डिसीजंस पर भी बिलीव करता है लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है उनको सिर्फ़ आपका मॉरल सपोर्ट चाहिए क्योंकि उनको मॉरल सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था ये भी हो सकता है या स्त्री ऑफ अगर हार्ट ब्रोकन इतना बुरी इनकी हालत लिटरली कि दिल टूटा हुआ और अगैन ये कोर्स आपको खोने से बहुत डरते हैं और इनको ये पता है कि अगर मैंने इसको खो दिया ना अब तो फिर मैं किसी काम का नहीं रहने वाला मेरा कुछ नहीं बचेगा मैं कभी ज़िंदगी में खड़ा नहीं हो सकूँगा और मैं कभी भी जो है ना लाइफ में आगे नहीं जा पाऊँगा और अपनी ज़िंदगी से भी हो सकता है ये गिव अप कर दें फॉर अ फ्यू केसेस टू ऑफ कप्स रिवर्स अच्छा एक और चीज़ ये है पाई नंबर टू कि आप इनको प्यार दो या ना दो वो आपको प्यार दें या ना दें आप दोनों कभी भी ना आप दोनों के बीच में ना ये टसलबाजी नहीं होगी ये ईगो नहीं होगी कि कौन मैसेज करता है पहले कौन पहले कॉल करता है ईगो में बैठे होते हैं दोनों ठीक है दिस इज नेवर गोना गेट हैपन ये आप बात लिख लो मेरी कहीं पर ठीक है सो आई बिलव दिस कनेक्शन इज ऑल अबाउट गिविंग ठीक है रैसी प्रोगेशन नहीं है क्यों भाई वो कॉल करेगी तो मैं करूँगा वो नहीं करेगी तो मैं भी नहीं करूँगा कोई जिद नहीं है कोई ईगो को नहीं है दिस इज़ वेरी लवली रेडिंग बहुत ही अच्छा यहाँ पर कनेक्शन मुझे फील हो रहा है सो लेट्स मोर आउट दिस कनेक्शन डिमोस्ट्रेट लाव ये बंदा बहुत एक्सप्रेसिव भी होगा ठीक है और इनको आपकी एक्सप्रेसिव साइड भी अच्छी लगती है जब आप आगे आके पूछते हो कि मुझे ये चाहिए ये करते हैं ऐसा सजेशन देते हैं क्योंकि तो बंदा एक साथी ढूंढ रहा था चाहे बिज़नेस पार्टनर चाहे मॉरल सपोर्ट आपने इनको सब कुछ दिया है ठीक है और आई थिंक मे भी हो कुछ लोगों के केस में ऐसा है कि हो सकता है आप दोनों कपल मिलके कोई नया बिज़नेस भी खोलो शादी के बाद ना जिसमें आपकी इनको बहुत सपोर्ट हो तो यू कैन इमेजिन कितना इम्पोर्टेंस है आपकी यूनियन ऑफ हार्ट्स तो ये यू you नो know, दिलों का मेल है ये दिलों का यूनियन है विच इज़ लाइक लिटरली आपको मोहब्बत के मायने समझाना और ये कनेक्शन जो है ना दिस इज बियॉन्ड एक्सपलैनेशन टर्न ऑन योर हार्ट लाइट देखा आपने इनकी जैसे दिल की बत्ती नहीं जलाई लाइक लिटल ये जीना भूल गया था बंदा आई डोंट नो वापसी ये इंफॉर्मेशन रेजनेट हो रही है कि नहीं हो रही लेकिन दिस इज हाउ इट इज रिव विद लव एन एप्रिसिएशन एंड बी इन प्रेजेंट हाव काफ़ी ये मैं बोला है ना बहुत ये ग्रेटफुल है गॉड का कि गॉड ने आप दिया है इसको आपको दिया है ठीक है और ये बहुत ग्रेटफुल है और बहुत ही आई थिंक ये जनरस भी बहुत है आपके जितनी ज़रूरतें हैं जितने आपको पैसे चाहिए जो भी है आप ले सकते हो और मुझे तो दिखता है कि आपके हाथ में काफ़ी हद तक फाइनेंस भी हैं ठीक है तो इसको लेके ये बंदा है फोकस ऑन लव वह well, ये बंदा हमेशा मोहब्बत पे इसने फोकस करी है इसने कभी भी जो है ना चीट करने की कोशिश नहीं की लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ आपकी स्ट्रेंथ ठीक है कितने स्ट्रॉग हो आप इतना आप इस बंदे के साथ साथ दिया है और कभी आपने अप नहीं करा और उसको भी आपने यही सिखाया कि गिव अप नहीं करना ये चीज़ बड़ी इसको अट्रैक्ट करती है आपके यू सी सी द क्राउन ऑन योर हैड ठीक है इस तरह से आपको क्वीन ये मानते हैं यू दी यू दिस ये जो है ग्लोब इनके हार्ट में हाथ में मुझे दिखता है कि ये पर्सन आपको हमेशा अपनी क्वीन मानता है कि जिसके पास हाई इंट्यूटिव पावर्स भी हैं और आई थिंक आप काफ़ी इंट्यूटिव हो भी आपने इनको आज तक जितने सजेशन्स दिए हैं उसमें इनको हमेशा कामयाबी जो है ना इसको हुई है इस चीज़ को ले बंदा बहुत इम्प्रेस है आपसे ना सो क्या इंसान ऑब्वियसली खोने से तो डरता है भी क्यों कुलज आर वे दैन रीच फुल मून इक्लिप्स आई थिंक बहुत जल्द ये पर्सन की एनर्जी आपको मिलेगी और uh, आप अपने कनेक्टेड रहोगे अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग ठीक है न्यू स्टार्ट इज कमिंग दिस इज़ न्यू मोन दिस इज़ ऑल अबाउट न्यू एनर्जी पायल नंबर टू ऑल्सो यहाँ पे द आंसेस यू नीड आर कमिंग ठीक है फुल मून इन जेमिना फुल मून जेमिना मतलब कम्युनिकेशन इज कमिंग न्यू स्टार्ट इज कमिंग सो ये बहुत ही लकी वाइब है ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है जो कि मुझे यहाँ पर फील हो रही है फॉर आपके पायल के लिए पायलम्बू के लिए दूसरी तो चीज़ में देख दूँ पायलम्बू के ये बनना आपके बिना जी नहीं पाएगा ठीक है क्योंकि जितना ये टूटा है ना पहले और जैसे आपने इसका पूरा एक एक ज़र्रा ले कर जोड़ा है आर हैड्स ऑफ टू यू फर्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत मुश्किल है लेकिन पता नहीं आपने ऐसा क्यों करा है आपको उनसे मोहब्बत हो गई थी या एज जस्ट एज एज अ पत्नी धर्म इस तरह करते आपने कुछ करा है या वैसे ही करा है या आप वो ही अच्छे इंसान आप सबकी हेल्प करते हो जितना ये टूटा हुआ था ना अगर ये दोबारा कभी टूटता है अगर आप इनको छोड़ कर जाते हो या आप के बग़ैर ये बंदा रहता है तो ये बंदा सह नहीं पाएगा ये इसका एक इनरफेयर है और इसको पता है ये चीज़ कि इनको जो है ना कोई नहीं संभाल सकता आपके बिना आपके अलावा सो लेट्स सम लव मैसेजेस फॉर यू मैं हमेशा तुम्हारी सपोर्ट करूँगा ओके सो ये है मैं डे ड्रीम करता हूँ हमारे बच्चों के बारे में तुम कितने बच्चे चाहती हो हाउ मैनी यू प्रेफर सो आई थिंक ये फैमिली प्लानिंग है सो या बहुत ज़रूरी सो लेट्स सी मोर क्या बोलना चाहते हो माई गॉड इतने सारे मैसेजेस कितना कुछ कहना चाहते हैं ये माय लव फॉर यू विल नेवर एंड तुम्हारे लिए मेरा प्रेम मेरी मोहब्बत कभी एंड नहीं होगी ख़त्म नहीं होगी मैं हमेशा तुमसे मोहब्बत करूंगा मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूंगा मैं रस्ते में हूँ मैं इस स्वीट हार्ट मेरी जान मेरे लिए थोड़ा सा वेट करो ओके okay, ये चाहते हैं कि ये शरारती बच्चे बने बच्चों के साथ ये भी बच्चे बने और आप जो हैं हाँ, वो वहाँ पर भी आप ही चार्ज लें <laughs> बंदा कुछ ज़्यादा चार्ज दे रहा है आपको है ना एनीवेज हर जनों में तुम्हारा मेरे को साथ चाहिए माय क्वीन मैं चाहता हूँ मेरी एक प्रिंसेस हो छोटी सी तुम्हारे जैसी जैसला की हो डी वेटिंग फॉर सिंदूर सेरेमनी तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ जो लोग डिफरेंट रिलीजन के हैं आपके जो यू नो मेन जो इवेंट है शादी का निकाह या वटैवर ये उसके बारे में है दे आर डेस्परेटली वेटिंग फॉर दैट प्लीज़ उदास मत हो मैं तुम्हारे साथ ही हूँ अभी भी अभी भी मैं तुम्हारे साथ ही हूँ और हम बहुत जल्द मिलेंगे मैं प्रूव करूँगा कि मैं दुनिया का बेस्ट हस्बैंड हूँ हाँ मैं मुझे पक्का आई एम लिटरली श्योर कि तुम बेस्ट मॉम होगी हमारे बच्चों के लिए आई थिंक बड़ी स्ट्रिक्ट वाइब्स हैं आपकी बहुत ही डिसप्लेंड वाइब्स हैं उनके okay, माइंड में ऐसा आपका यू नो पिक्चर है आई वॉन्ट अ बेबी गर्ल हैविंग योर आइज गाइज बहुत ज़्यादा बच्चों की वाइब्स आ वाइफ हैं आई थिंक दिस पर्सन लव्स किड्स बच्चों से बहुत प्यार करते हैं या फिर आपसे बच्चे पैदा करना चाहते ताकि आप आपको कभी छोड़ के मान जाओ <laughs> इनका प्यार है मैं बता दूँ आपको सो आई थिंक ये जल्दी जल्दी बच्चे करेंगे कि यू नो यू जस्ट स्टे देयर फॉर एवर ठीक है सो so, मैं चाहता हूँ तुम रेड कलर की ड्रेस पहनो शादी वाले दिन एंड uh, तुम्हें मैं पागलों की तरह ढूँढ रहा हूँ प्लीज़ जल्दी मुझे मिल मिल जाओ मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं वो बंदा हूँ तुम्हें प्यार मोहब्बत कियर सब कुछ दूंगा अनकंडीशनली तुमसे वापस मुझे कुछ नहीं चाहिए कान वेट टू सी यू इन ब्राइडल ड्रेस कह रहे कि तुम्हें यू नो शादी का जोड़ा पहने देखना मेरे से वेट नहीं होना कि कब होगा एंड सी तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा कीमती हो प्रीशियस हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ आई लव यू ओके लव सो दैट्स इट फॉर टुडे पायल नंबर टू आई सी यू नेक्स्ट टाइम ओके सो टेक केयर बाय बाय